बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फिर मौजूद हैं। एक्सरसाइज 4.1 है और इसमें हम अगला पार्ट आज तीसरा पार्ट करेंगे। इसका तीसरा पार्ट कुछ इस तरह है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और आगे है जी यहाँ पे -4 एक्स वाई, और अगर मैं आपके पास नीचे जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। जब हम सॉल्यूशन में आएंगे, इसमें सॉल्यूशन पे आएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक है ए प्लस बी होल स्क्वेयर है, जो कि ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस बी को पहले भी देखते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ पे सिर्फ दोनों फॉर्मूले में फ़र्क ये है कि यहाँ पे साइन चेंज होगा सिर्फ। यहाँ पे आपने -2 ए बी लिखना है और यहाँ पे B2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आएँ तो आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन में एक दफ़ा वैल्यू को आपने इसी तरह सेम उतार लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं इसको खोलने के लिए ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए जो है वो एक्स है, तो आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर आगे +2 ए बी है, यहाँ पे ए बी की जगह एक्स वाई है, तो यहाँ पे आप प्लस डालोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है 2 एक्स वाई और +b² और ये -4 आपने एज इट नीचे उतार देना है। नीचे आप ये फॉर्मूला ए माइनस बी वाला खोलेंगे तो आपके पास x² -2 ए बी की जगह, यहाँ पे आपने आपके पास एक्स वाई है तो आप एक्स वाई लिखेंगे, और आखिर पे जो है ना वहाँ +y² आ जाएगा आपके पास। ये एक सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपने ऊपर जो है ना वो प्लस में और नीचे माइनस में खोलना है, ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। अभी हम आगे चल के क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इधर आगे कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ये देखें, ये कांस्टेंट आपके जो है वो 8 हो सकते हैं। पहले सबसे पहले आप x² + y² को इसी तरह लिखने, और इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस बड़े का साइन आएगा, तो -4 बड़ा है तो बड़े का साइन आएगा। और आपने क्या करना है कि -4 में से 2 xy निकाल लेना है, तो निकालेंगे तो आपके पास -2 xy आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप xy को पहले ले आए और आखिर पे -2 xy लिखें। ये है प्रोसेस इसमें। अब यहाँ पे इसको पूरे को, ये जो ये आपके पास है ये वैल्यू है, ये एक जैसी है, इनको अगर काटें तो काट सकते हैं आप। ऊपर भी एक बचेगा, आपके पास 1/1 बचेगा इक्वल टू 1, ये आपके पास आंसर आएगा। तो सिंपली आपने फॉर्मूले इस्तेमाल कर किए हैं हमने इसमें, तो कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट में, लाजमी मुझे बताइएगा कि इसमें से कुछ आपको अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो। इसको हम क्लोज भी कर सकते थे लेकिन क्लोज नहीं किया, क्लोज करके इसको इस फॉर्म में लेके जाके फिर आप कटिंग कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। यहाँ पर भी अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो ये ब्रैकेट ना लगाएं, फिर भी आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको इस फॉर्म में लेके
या काटते हैं वो भी ठीक है, आपका आंसर एक ही आएगा। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी हमारे पास, और अगले क्वेश्चन में फिर मौजूद होंगे आपके साथ। ये मत भूलिएगा कि हम रोज़ाना की बेस पे ये अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाले जो साइंस नैन साइंस के और दूसरे लेक्चर आने वाले हैं उन वो आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आज इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।